नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष अपने YouTube चैनल किचन स्वाद का मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बरसात का मौसम आता है तो हम जब शाम को अपनी जॉब से वापस आते हैं तो चाय के साथ कुछ अच्छा नाश्ता मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। तो आज आपके लिए हम इसी प्रकार का एक नाश्ता लाए हैं। आज हम बनाएंगे केले के चिप्स, कमल ककड़ी के चिप्स और आलू की लच्छा भुजिया, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नई रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे केले के चिप्स। तो दोस्तों, पहले हम केले को छील लेते हैं। हम इसको दोनों तरफ से पहले काट देंगे, काटने में छीलने में आसानी होगी। फिर एक पतला निशान लगा लेंगे। और इसको हल्के हाथों से ऐसे कर मोड़ेंगे तो इसका छिकला आसानी से निकल आएगा। ये देखिए, अब हम इसे आसानी से छील सकते हैं। केले को छील कर तुरंत पानी में डाल देना है, वरना वो काले पड़ जाएंगे। हमने केले को छील लिया है, इसी प्रकार हमें सारे केलों को छीलकर पानी में डालना है। हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गर्म होता है हम अपने केलों के चिप्स काट लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने जो केले पानी में डाले थे उन्हें हमने निकाल करके सूती कपड़े से सुखा लिया है। अब चिप्स कटर से उसके हम चिप्स काटेंगे। देखिए कितने अच्छे चिप्स कटे हैं, लंबे और थोड़े से मोटे भी। इसी प्रकार सभी केलों के चिप्स हम काट लेते हैं। हमारे सारे केलों के चिप्स कट गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो आइए इसे फ्राई करते हैं। थोड़े थोड़े डालेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कढ़ाई में काट सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा जलने का खतरा रहता है, जिस कारण से हमने इसे अलग ही काट लिया है। हमारे चिप्स अब लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इन्हें बहुत ज्यादा चलाना नहीं वरना ये टूट जाएंगे। आराम से पकाना है, धीरे धीरे उलट पलट कर। हमारे चिप्स अब पूरी तरीके से पक कर करारे हो गए। आइए हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें दुकान की तरह पीला कलर लाने के लिए हल्दी के पानी में भी डाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल करारे और क्रिस्पी। इसी प्रकार से हमें सारे केले के चिप्स फ्राई करने हैं। हमने अपने केले के सारे चिप्स फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही जो कि क्रिस्पी है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी।
अब हम कमल ककड़ी के चिप्स बनाएंगे। अब हम अपनी कमल ककड़ी के चिप्स काटने के लिए उसे दो भागों में पहले बांट लेंगे और उसके चिप्स काट लेंगे। ऐसे ही लंबे चिप्स काटने हैं, हम सबके चिप्स काट लेंगे। हमने अपनी कमल ककड़ी के चिप्स काट लिए हैं, देखिए सभी कितने अच्छे ढंग से कटे हुए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही डालना है। आधा चम्मच अरारोट पाउडर, आधा चम्मच बेसन, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। कमल ककड़ी के चिप्स अब हल्के से ब्राउन होने लगे हैं और इन्हें क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई करना है मध्यम आंच पर। हमारी कमल ककड़ी के चिप्स अब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी बने हुए हैं, करारे बिल्कुल, एक एक पीस बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुआ है। इसी प्रकार से हम सारे और फ्राई कर लेंगे। और अब हम बनाते हैं आलू के भुजिया लच्छे। तो पहले हम चिप्स कटर में कद्दूकस वाला साँचा लगा करके उसके लच्छे काट लेते हैं। लच्छे काटने हैं। जब हम अपने ये लच्छे काट लेंगे उसके बाद हम इन्हें आधे घंटे के लिए पानी में डालकर रखेंगे। हमने अपनी आलू की लच्छा भुजिया काट ली थी और उसे आधे घंटे पानी में रखा था, उसे धो करके निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से लच्छे कटे हुए हैं इसके। अब हम इसको फ्राई करेंगे। वही अब हम फ्राई करते हैं। डालने के बाद
हम चलाएंगे नहीं, नहीं तो ये चिपक जाएगा। दो मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम इसको धीरे से पलट लेंगे। ये आधा फ्राई हो गया है और इसे लाइट डाउन होने तक पकाएंगे। हमारे आलू से अच्छा भुजिया जो थी वो फ्राई हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी। इसी प्रकार हमें सभी फ्राई करना है। तो दोस्तों तैयार हैं हमारे केले के चिप्स, कमल ककड़ी के चिप्स और आलू की लच्छे वाली भुजिया। इसकी प्लेटिंग करेंगे और इस पर मसाले डालकर इन्हें चटपटा बनाएंगे। हम इस पर जो मसाले डालेंगे, काला नमक, हल्का सा सफेद नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, सभी में हमें एक ही मसाले मिलाने हैं। और ऊपर से कस्तूरी मेथी को हाथों से हल्का सा क्रश करके डालना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमारा तैयार है हमारा शाम का नाश्ता, आलू की लच्छेदार भुजिया, कमल ककड़ी के चिप्स और केले के चिप्स। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।